अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर समन जारी किया है, नौवां समन जारी कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से समन भेजा है और इस बार तारीख बताई गई है 21 मार्च को पूछताछ के लिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, एक बार फिर से समन जारी कर दिया गया है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली ईडी केस में ही, समन केस में ही, लेकिन अब इस मामले में ईडी ने एक और समन जारी कर दिया है और ये नौवां समन है अरविंद केजरीवाल को। 21 मार्च को पेश होने के लिए ये समन जारी किया गया है। ईडी पूछताछ करना चाहती है शराब घोटाले में और इसलिए अब तक कई समन जारी कर चुकी थी। अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे, उपस्थित नहीं हो रहे थे। ये मामला कोर्ट तक भी गया और फिर कोर्ट से कल उन्हें जमानत मिली है, लेकिन ईडी की तरफ से ये एक्शन फिर लिया गया है, समन जारी कर दिया गया है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ कहा गया समन में, नौवीं बार जारी किया ईडी ने समन? जी बिल्कुल, देखिए नौवा सम्मन है। 21 मार्च को एक बार फिर आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि इससे पहले जो 8 सम्मन ईडी की तरफ से भेजे गए और 8 सम्मन को राजनीति से प्रेरित बताकर अरविंद केजरीवाल ने इन सम्मन की तामील करने से इनकार कर दिया था, यानी कि ईडी के सामने पेश होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। लेकिन 5वें सम्मन पर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बाकायदा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी कि उनको 3 सम्मन भेजे जा चुके हैं और वो लगातार सम्मन भेजने पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा एक और ठीक इसी तरीके से शिकायत 8वें सम्मन पर भी ईडी की तरफ से की गई, जिसको लेकर कल राउज एवेन्यू कोर्ट में एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर बकायदा अरविंद केजरीवाल को दोनों मामलों के अंदर, यानी कि जो दो शिकायतें थी ईडी की, उनके अंदर बेल दी गई है 15,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर। इसके अलावा 1,00,000 रुपए की दोनों ही मामलों में श्योरिटी भी दी गई। लेकिन उसके अगले ही दिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर सम्मन आना, उनको फिर से बुलाया जाना पूछताछ के लिए, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ा देने वाला है। जी बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ सकती हैं अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की। एक बार फिर से जारी कर दिया गया है ईडी की तरफ से समन, ये नौवां समन है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। अब ये देखना होगा कि ईडी के समन का जवाब अरविंद केजरीवाल क्या देते हैं और क्या कारण बताते हैं।